Hi everyone, this is Selvam from MRS Prime Reality. I am right now in Pune district, a place called Urli Kanjan. It's a beautiful place. You can see a lot of greenery all around. And today we are going to discuss about this project with the name Shantivan. And it's an amazing project. It's from Karadi. It's almost 1 hour drive from Karadi. And here with me is Mr. Suraj, who is going to give us the lot of information about this project. Okay, it's going to be a farmhouse. This is a wonderful project. So Mr. Suraj, glad to meet you. Wow, what an amazing time to be here in Urli Kanjan. Please थोड़ा पता ही है इसके प्रोजेक्ट के बारे में. जी बिल्कुल. जैसे कि हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट जो है खराड़ी से 1 घंटे की दूरी पर है. आप मेरे पीछे सिटी देख सकते हो. जस्ट आप 1 घंटे में अपने प्रोजेक्ट पे आ सकते हो. प्रोजेक्ट का नाम है शांतिवन और प्रोजेक्ट का जो रिट्रीट वीकेंड हो तो हमारे प्रोजेक्ट में ज़्यादा करके सीओ रिट्रीट जो सी सूट पीपल है उन्होंने यहाँ पे बुक किया हुआ है. और प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रोजेक्ट पूरा 7.5 एकड़ में है. wow. जी yes. और पूरे प्रोजेक्ट में 28 प्लॉट्स है. 28 प्लॉट्स में से अभी 11 प्लॉट्स प्री लॉन्च में सोल्ड आउट हो चुके हैं. एक एक प्लॉट कितना साइज है? प्लॉट का साइज, प्लॉट का साइज 11,000 स्क्वायर फीट. हर एक प्लॉट जो है 11,000 स्क्वायर फीट है क्योंकि ये एग्रीकल्चरल लैंड है. okay. तो इसके ऊपर जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है वो 11,000 स्क्वायर फीट का होता है. तो इंडिविजुअल 7-12 और खरीदी खत ये सारी चीज़ें 11,000 स्क्वायर फीट में आ जाती है. तो उसकी वजह से 11,000 स्क्वायर फीट के अभी आप देख सकते हो. हर एक प्लॉट के ऊपर हमने नेम प्लेट लगाया है. आप यहाँ पे देख सकते हो हर प्लॉट पे हमने लगाया और बाउंड्री यहाँ पे ऐसे बाउंड्री दी हुई है ये जो व्हाइट पोल है. okay. तो हम क्या करते हैं 11,000 स्क्वायर फीट के फार्म हाउस प्लॉट बेचते हैं. okay. और जैसे इसके साथ हम फैसिलिटी क्या देते हैं, सीमेंट रोड रहता है हमारे हर एक प्रोजेक्ट की. हमारी यूएसपी जो है सीमेंट रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कनेक्शन. सीमेंट रोड का कितना फीट? ये 18 फीट का है. नेट यूजेबल 18 फीट का रोड है. दोनों साइड से यहाँ पे अपने को प्लांटेशन मिलेगा हर एक प्लॉट के बाजू में. यस. और जैसे कि आप अभी आगे आपको दिखाना चाहता हूँ मैं कि हमने क्या किया है. यहाँ पे एक सैंपल प्लॉट रेडी किया है. तो क्या कंसेप्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि आप 2BHK के यहाँ पे 800 स्क्वायर फीट तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हो. तो वो भी कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम प्रीफैब मटेरियल यूज करते हैं. क्लैंपिंग हाउस है, बाम्बू हाउस है, ग्लास हाउस है. इसमें अलग अलग वेराइटीज में मटेरियल में हम रेडी फार्म हाउस बना सकते हैं. तो उसको 2 महीने के अंदर तक वो रेडी हो जाता है. रेडी हो जाए कितना? लास्टिंग कितना? वो ये 15-20 साल तक आराम से चलता है. और ये मूवेबल हाउस रहता है. तो इसमें इसके लिए कोई ज़्यादा टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें लगती नहीं है. okay. अभी यहाँ पे हमने 11 प्लॉट सोल्ड आउट किया है. wow, पिछले 2 महीने में हमारा ये प्री लॉन्च का चल रहा था. yes. तो ये प्री लॉन्च में हमने 11 प्लॉट सोल्ड आउट किए. तो अभी एक प्लॉट का भूमि पूजन हुआ है हमारे प्लॉट के ऊपर. okay. तो जैसे अभी वो बनेगा तो हमारी जो कंसेप्ट है वो हमने हमारे सैंपल प्लॉट में की है. okay. तो जैसे ही आप खराड़ी से आते हो 1 घंटे की दूरी पे, तो जैसे हमारे इसमें जो भी बुकिंग करने वाले हैं ये एक तो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के सीईओ. यस. और आईटी कंपनी के जो भी थी. yes. तो वही लोगों ने हमारे इसमें बुकिंग किया हुआ है. okay. तो क्या है, जो भी अभी आपके ट्रेस रहता है काम का ये सारी चीज़ें. yes. तो फ्राइडे के दिन आप शॉपिंग करके हड़पसर से आ सकते हो. okay. जैसे हड़पसर से आप आते हो 1 घंटे में आप उर्ली कंचन दालिम में पहुँच सकते हो. ओके. तो आने के बाद आपका यहाँ पे अगर 2BHK रहेगा फार्म हाउस. yes, yes. और बाकी का जितना भी ओपन स्पेस रहेगा उसमें आप सब्जियाँ उगा सकते हो. okay. सब्जियाँ, उसके बाद खुद की सब्जियाँ उगा के आप खाओ. तो अमेनिटीज इसमें क्या है प्रोजेक्ट में? चिल्ड्रंस के लिए क्या है, पेट्स के लिए कुछ है क्या उसमें? यहाँ पे बच्चों के लिए हमने चिल्ड्रंस प्ले एरिया किया है. और सिटिंग एरिया भी है प्रोजेक्ट में. okay. और गजेबो भी हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पे. okay.
बहुत सारे प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कुछ कुछ प्रोजेक्ट में पेड्स के लिए अलाउड नहीं होता है, तो हमने तो ये पेड फ्रेंडली कर लिया है प्रोजेक्ट में। तो पेड्स के लिए भी हमने क्या किया, एंगेजमेंट के लिए पेड जोन बना दिया है, तो वहाँ पे आपके जो भी पेड्स है तो वो सारे पेड एंगेज रहे, उनको खेलने के लिए हमने रैंप किया है, थोड़ा एक स्पेस किया है कि जहाँ पे पेड के लिए सारी एमिनिटीज दी जाएगी, तो वो एक है हमारे प्रोजेक्ट में। फिर सराउंडिंग्स के बारे में थोड़ा बताया ना, क्या है लैंडमार्क, कुछ लैंडमार्क लोकेशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि एक घंटे की दूरी पे थराडी और विमान नगर, तो अभी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो हाईवे है पुणे सोलापुर हाईवे है, पुणे सोलापुर हाईवे से सिर्फ 6 किलोमीटर के दूरी पे हमारा ये प्रोजेक्ट, 6 किलोमीटर सिर्फ 6 किलोमीटर के, और 6 किलोमीटर आने के लिए भी आपको सीमेंट रोड ही है, अभी नहीं बनी है, जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो ये सारी चीजें यहाँ पे डेवलप नहीं थी, क्योंकि ये विलेज एरिया है, तो यहाँ पे अभी सीमेंट रोड भी पूरा गांव तक पूरा रेडी है, और गांव में जो दालिम गांव है ये हाईवे से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। रेलवे स्टेशन क्या है, नजदीक कौन है? रेलवे स्टेशन यहाँ पे उर्ली कांचन और हड़पसर ये है, और ये मेरा यहाँ पे देख सकते हो ये धवलगढ़ है, धवलगढ़ के नीचे यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, यहाँ से ज्यादा मालगाड़ी जाती है कोल्हापुर के लिए, सारी ट्रेन वगैरह जाती है, तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा दिखता है, जब भी यहाँ से ट्रेन जाती है तो पूरा यहाँ पे ग्रीनरी, अभी बारिश की वजह से थोड़ी ग्रीनरी स्टार्ट हुई है, पूरी अभी तक ग्रीन ही है, तो जैसे ही यहाँ से ट्रेन जाती है और आप देख सकते हो यहाँ पे चीटिया का सारा आवाज आता है, तो ये सुनने को कभी मिलता नहीं है सिटी में, तो यहाँ पे ज़्यादा करके आप चीटिया देख सकते हो, उसके बाद में ग्रीनरी है, आजू बाजू में पूरी शुगर कैन की खेती होती है, तो सबसे ज़्यादा कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप हमारी तीन चीज़ें जरूरी रहती है, जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी और पानी। आपने रोड तो देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी भी देख लिया हमारे प्रोजेक्ट में, तो अभी बाकी है सिर्फ पानी, तो पानी का क्या है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी वेल है प्रोजेक्ट में, जो कि यहाँ पे 50 किलोमीटर तक 50 किलोमीटर खेती को, जो शुगर कैंड वाली खेती है उसको पानी को सप्लाई कर सकती है, उतना उसका स्टोरेज है, तो पानी का भी यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, तो हमको एक्सेस है उसमें, उस उधर ये हमारे प्रोजेक्ट में ही है, वो प्रोजेक्ट में है, तो नीचे के जो 4 प्लॉट है वो प्री लॉन्च में हमने वो 4 प्लॉट अभी आपने जैसे कि मैंने कहा है कि प्री लॉन्च में हमने 11 प्लॉट होल्ड आउट किए, तो 11 में से 4 प्लॉट है ना हमने फार्म स्कूल को दिए, तो फार्म स्कूल की क्या कंसेप्ट है ना कि जो भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे उनको फार्मिंग, गार्डनिंग ये सारी चीज़ें वो उसमें सिखाने वाले हैं, पूरा एक्सपीरियंस उसमें आने वाला है, तो हमारे प्रोजेक्ट को क्या बेनिफिट है ये फार्म स्कूल का, जैसे लड़के छोटे छोटे बच्चों को वो सिखाएंगे, तो अपने यहाँ पे स्पेस बहुत है, तो काफ़ी सारे लोग फार्मिंग करना तो चाहते हैं, तो उनको उनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं रहता है, तो ये स्कूल से हम ये बेनिफिट ले सकते हैं कि जो भी वो सिखा रहे हैं ना वो हमारे इधर हम ये कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो एक बेनिफिट है, और जैसे मैंने कहा कि वहाँ वेल है, तो वहाँ बहुत बड़ी वेल है, पानी का सोर्स है वहाँ से, तो वहाँ से प्रोजेक्ट में पानी आता है, तो वो भी कनेक्शन हमारा सॉलिड हो गया, वो भी पॉइंट। जर तुम्ही खराडी, विमान नगर, कोरेगाव पार्क आणि चंदन नगर खराडी या लोकेशनला राहत असाल आणि तुमचा फार्म हाऊस प्लॉट स्वतःचा असायचा जर का तुमचं स्वप्न असेल, तर आजच शांतीवनला भेट द्या किंवा खाली दिलेल्या माझ्या डिस्प्ले नंबरवरती कॉल करा आणि तुमचा फार्म हाऊस प्लॉट बुक करा। धन्यवाद।